खेतड़ी कस्बे में हुई बसपा के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बागियों को बसपा नहीं देगी टिकट। खेतड़ी के बसपा कार्यालय में आज राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बागियों को बसपा की टिकट नहीं दी जाएगी। रामजी गौतम ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बसपा इस बार बागियों को टिकट नहीं देगी। बसपा कभी भी लाल डायरी पर विश्वास नहीं करते हैं, वह नीली डायरी पर ही है जो मुख्य द्वार है। इस दौरान 5 राज्यों के चुनाव को लेकर राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के नेतृत्व में बसपा कार्यालय में आज कार्यक्रम हुआ। ऐसी ताकतों को रोकने के लिए मायावती ने 6 के 6 विधायकों का समर्थन गहलोत जी की सरकार को कांग्रेस सरकार को देने का काम किया, तब जाकर के इनकी सरकार बनी। और हमने कोई उनसे डिमांड नहीं करी, कोई बात नहीं की, हमने कोई मंत्री पद का लालच भी नहीं था, कि पार्टी की नीतियां अपनी अलग हैं, तो उस बिहार पे हमने काम किया। लेकिन उन्होंने हमें धोखा दिया, हमारे 6 के 6 विधायक उन्होंने काम किया। इसलिए माननीय बहन ने कहा इस पर हम थोड़ा सा अपना चेंजेस करेंगे, और कहा कि जहां भी हमारी पार्टी बैलेंस ऑफ पावर बनेगी, जहां हमारे बिना कोई सरकार नहीं बन रही है, तो वहां पर हम वहां पर सत्ता में भागीदारी बनेंगे, पावर में शेयरिंग करेंगे। बगावत करने वाले व्यक्ति को जिन्होंने हमें धोखा दिया कि देखिए बहुजन समाज पार्टी पार्टी नहीं, ये मिशन और मोमेंट है। यहाँ पे जीता हुआ विधायक, जीता हुआ सांसद इस देश में दलितों, पिछड़ों, गरीबों और जो 22 देश जो गरीब लोग होते हैं उनकी आवाज बनता है, विधानसभा में आवाज बनता है, लोकसभा में आवाज बनता है, राज्यसभा में आवाज बन के काम करता है। तो पैसे के सामने बिक गए, और पैसे के सामने बिकने के बाद तो ऐसे दोबारा जो लोग हमारे मिशन के जो धोखा देने वाले लोग हैं उनको कहीं से भी किसी को भी किसी भी सूरत में टिकट नहीं मिलेगा।